सरकार चाहे जिसकी भी हो, लेकिन पत्रकारों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर माफिया डॉन पत्रकारों पर आए दिन जानलेवा हमला करा रहे हैं, और यह सब हो रहा है सरकार के संरक्षण में, फिर चाहे सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ के मोहनगढ़ में दैनिक भास्कर के रिपोर्टर अवैध शुक्ला पर एक बार फिर जानलेवा हमला हुआ है। अवैध शुक्ला का कसूर बस इतना है कि उन्होंने गेहूं की कालाबाजारी करने वाले खाद्यान्न माफिया के खिलाफ आवाज उठाई थी और खबर छापी थी। फिर क्या था, खाद्यान्न माफिया ने पत्रकार का पहले तो अपहरण किया और फिर उसे खूब मारा। इतना ही नहीं, पत्रकार को पीट पीट कर घायल कर दिया और मोहनगढ़ थाने में फेंक दिया, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया है जहां शुक्ला का इलाज चल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस के नेता कालाबाजारी करने वाले माफियों को बचाने में लगे हुए हैं। अगर गुंडों को नेताओं का संरक्षण मिलता रहेगा तो फिर देश का भ्रष्टाचार मुक्त कैसे किया जा सकता है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।